अच्छा जब सुमित्र महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आने का वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो उससे क्या कहना है? वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जितनी मन मंशा है वो करें। चलो, तो आपने अभी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को न सिर्फ सुना बल्कि उनकी मुस्कुराहट और खामोशी भी देखी। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कमलनाथ का ये बयान छिंदवाड़ा से सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में इन सियासी अटकलों को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास है और वो आना चाहते हैं तो राम का आशीर्वाद लें और बीजेपी में आ जाएं। देखो, ऐसा है, जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, हम देश को विकास के राह पर ले जाने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आप क्यों, आपको क्या दुख है? आने दो, करने दो, अच्छा काम करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो अच्छा काम करें। हाल ही में मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान ने भी जमकर सुर्खियां मटोरी थी। विजयवर्गीय ने कहा था कि कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। और कुर्सी सांसद को लेकर भी कांग्रेस ने भी दिल्ली पहुंचे, उसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, हमें तो कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी में। बहरहाल, इन सियासी बयानबाजी के बीच राज्यसभा चुनाव सामने खड़े हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा भी थी कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन अशोक सिंह के प्रत्याशी बनने के साथ ही ये अटकलें भी शिगुफा ही साबित हुई। अब कमलनाथ को आलाकमान की जिम्मेदारी से नवाजती है ये तो वक्त ही बताएगा।